आरबीआई गवर्नर बनने के बाद शक्तिकांत दास ने लिया एक बड़ा फैसला। एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू स्टेटमेंट आ चुका है, क्या रहे हैं मेजर चेंजेस, चलिए अब देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो पॉलिसी रेट है उसे 0.25% से रिड्यूस कर दिया है, या दूसरे शब्दों में बात करते हैं जो पॉलिसी रेपो रेट है उसे यहां पर 0.25% रिड्यूस किया, या दूसरे शब्दों में बात करें 25 बेसिस पॉइंट यहां पर रिड्यूस किया। लास्ट जो अगर हम बात करते हैं 5th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें रेपो रेट 6.5% था। अब इस जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इसमें से रिड्यूस करके 6.25 किया। हम सभी को पता है रेपो रेट पर ही सारी की सारी रेट बेस्ड होती हैं, तो रेपो रेट हमारा 6.25% हो गया। बैंक रेट और एमएसएफ की हम बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट की बात करें तो ये 6.50% एंड रिवर्स रेपो रेट की यहां पर बात करते हैं तो 6% रहा। ये एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, डेफिनेटली यहां से आपके एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलेगा। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि पॉलिसी रेपो रेट को रिड्यूस करके 6.25% पे ले आए हैं। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपकी 6% हो जाएगी, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट की बात करते हैं ये 6.5% हो जाएगी।